तो आ तरफ समग्र राज्य में आगामी 5 दिवस सुधी भारी वरसाद की आगाही करवामां आवी। दक्षिण गुजरात ने सौराष्ट्र में भारी वरसाद वरसी शके छे। दक्षिण गुजरात ना नवसारी डांग अने वलसाड में अति भारी वरसाद की आगाही। 3 दिवस दरियो ना खेडवा माटे माछीमारों ने सूचना आपवामां आवी छे। अमदावाद में बफारा वच्चे छूटो छवायो वरसाद रहेशे। भारी अति भारी वरसाद की बात करिए तो नवसारी डांग अने वलसाड में अति भारी वरसाद की आगाही छे। सूरत तापी दादरा नगर हवेली में भारी वरसाद की आगाही छे। तो सौराष्ट्र में 4-5 दिवस भारी वरसाद की आगाही। भावनगर अमरेली गीर सोमनाथ में पण भारी वरसाद की आगाही छे। दीव जूनागढ़ पोरबंदर में पण वरसाद की आगाही करवामां आवी छे। अगले 5 दिन में गुजरात में बारिश रहेगा। मोस्टली जैसे हमारा रोज का होता है, आजकल साउथ गुजरात में मोस्टली बारिश रहेगा और सौराष्ट्र में भी रहेगा, लेकिन हेवी रेन भी हो सकता है। साउथ गुजरात में हेवी आइसोलेटेड प्लेसेस में होगा और सौराष्ट्र कच्छ में भी होने का संभावना है, और कल हेवी टू वेरी हेवी होने का संभावना है साउथ गुजरात में। इवन सौराष्ट्र में भी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एट आइसोलेटेड प्लेसेस में होने का संभावना है। साउथ गुजरात में जैसे वलसाड नवसारी डांग में वेरी हेवी होने का संभावना है, और हेवी होने का संभावना है सूरत तापी दमन दादरा नगर हवेली में आइसोलेटेड हेवी रेन होने का संभावना है। और सौराष्ट्र में हेवी मोस्टली अगले 4-5 दिन तक आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी रेन रहेगा, और जो डिस्ट्रिक्ट कवर होगा भावनगर अमरेली गिर सोमनाथ दीव जूनागढ़ पोरबंदर, यही 4-5 डिस्ट्रिक्ट में कहीं कहीं जगह में एक आध जगह में हेवी होने का संभावना है अगले 5 दिन के लिए। अहमदाबाद गांधीनगर में बारिश ज़्यादा होने का ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन जैसे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकता है आइसोलेटेड कहीं एक आध जगह में हो सकता है, लेकिन भारी बारिश होने का अभी संभावना नहीं है। टेम्परेचर मोस्टली अराउंड 40 डिग्री रहेगा, 40 डिग्री रहने का संभावना है, और क्लाउडी पार्टली क्लाउडी स्काई भी रहेगा, और जो रेन होगा लाइट थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कहीं कहीं हो सकता है, नॉट पूरे इंटायर अहमदाबाद में नहीं होगा, लेकिन कहीं कहीं जहां थोड़ा सा कन्वेक्टिव लोकल कन्वेक्शन होगा हो जाएगा, लेकिन अहमदाबाद के लिए इतना बारिश होने का कंडीशंस ज़्यादा बारिश होने का के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है। अभी तक जो पूरे गुजरात स्टेट में 53% बारिश हुआ है और 47% अभी डेफिशिएंट है। जनरली जून में गर्मी रहता है, जुलाई में टेम्परेचर काफ़ी डाउन चला जाएगा, घट जाएगा जुलाई में। अभी जून एंड तक टेम्परेचर अराउंड 40 डिग्री रहने का संभावना है। जब बारिश होगा टेम्परेचर 3-4 डिग्री ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर 38-40 डिग्री सेल्सियस का अंदर में रहने का संभावना है।